आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज, मैं सुषमा सिंह। अपना परिचय, मैं रघुनाथ चौधरी, मुख्य कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी वाराणसी मंडल। आज के इसलिए आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं? आज हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। कल रोहनिया थाने में एक मूड़ा देवगांव है, वहाँ पर अंबेडकर पार्क के नाम से जो है ज़मीन अभिलेख में सुरक्षित है जो है, और उसी ज़मीन पर जो है कल प्रशासन द्वारा जो है प्रधान के सहयोग से साजिश से जो है वहाँ उसी पार्क की ज़मीन पर शौचालय बनवाने का काम शुरू किया गया जो है। वहाँ पर हमारे जो लोकल लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो है, उनको जब पता लगा तो वो लोग वहाँ जा कर के उसे रोकने का प्रयास किए, और पहले भी 2-3 महीने पहले भी इस तरह का प्रयास किया गया था जो है। तो उस प्रयास में उस ज़मीन की जांच हुई थी, और उसमें SDM ने ही खुद लिखा है कि नहीं, ये अंबेडकर पार्क की ज़मीन है और उस अंबेडकर पार्क की ज़मीन में शौचालय नहीं बनेगा, और आराजी नंबर 352 अंबेडकर पार्क है, और आराजी नंबर 370 जो है वो दूसरी फालतू ज़मीन थी, उन्होंने कहा कि वहाँ शौचालय बनाया जा सकता है 370 पर। लेकिन कल फिर अचानक वहाँ 3:30 बजे के आसपास से लोग गए और जा कर के उस अंबेडकर पार्क की ज़मीन पर खुदाई शुरू कर दिए, और जब वहाँ पर लोगों ने विरोध किया, गांव के लोगों ने, तो उसमें 3 लोगों को लेकर के थाने में बैठा दिया, और ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर काम चलता रहा। यह जानकारी हम लोगों को शाम को जब हुई तो हम लोगों ने SDM को कई बार फ़ोन मिलाया जो है, और SDM ने हम लोगों का फ़ोन तक नहीं उठाया। हमारा जिला अध्यक्ष का फ़ोन एक बार SDM ने उठाया था, उन्होंने बात करनी चाहिए, फिर फ़ोन काट दिया। जब वहाँ के संबंध में कहा कि जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुड़ा देव के संबंध बात करना चाहते हैं, तो काट दिया, और कई बार जो है मिलाए जिलाध्यक्ष ने, लेकिन फ़ोन जो है SDM फिर नहीं उठाए। तो आज हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय से उस संदर्भ में जो है मिलना पड़ा। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात किया है, और जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत SDM को आदेश दिया हम लोग की उस काम को तुरंत फोन करके वहाँ रुकवा दिया जाए और उस जमीन को फिर से पैमारी किया जाए। इस विषय पर आपने निकटतम थाने में कुछ कार्यवाही के लिए नहीं, निकटतम थाने में जो रोहनिया थाना है वहाँ पर हमारे 3 कार्यकर्ताओं के संबंध में हमने जब बात किया शाम को SO रोहनिया से, तो उन्होंने बताया कि सर ये जो है SDM मौके पर रहे हैं, चूँकि अब SDM जब हैं तो पुलिस का कोई रोल नहीं रह गया, हम SDM के जो है आदेश का पालन कर रहे हैं। जो बताइए अपना नाम बताइए। हमारा मुँह से राम नाम है। क्या हुआ है साहब? वो अंबेडकर पार्क जमीन छूटल है, जन साहब बतौलन है, तो ऊपर हम दरखास्त कम से कम 1-3 महीना से दे रहे हैं। अच्छा, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। तो आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं? हम वो समय भी SDM साहब के यहाँ भी कहे थे, दरखास्त दिली 5 तारीख के, तो उनकलन की नहीं बनेगा, तो हमको ठीक बा कमिश्नर साहब के यहाँ दरखास्त दिली के रोकल जाए, तो रोकलन वक्त वह वक्त भी बालू गिट्टी गिरा के हाथ लगाओ, तो वक्त रुक गया। अचानक हम लोग कमज़ोर तबके का आदमी हैं, अधिया बटाई काम करते हैं, अब नहीं। अपना नाम बताइए। मैं राजनाथ पाल, सेवा से सेवानिवृत्त। क्या हुआ था मुड़ादेव ग्राम में? ग्राम मुड़ादेव में जबरदस्ती ग्राम प्रधान द्वारा हरजन बस्ती के लिए जो अम्बेडकर पार्क के लाट है अराजी नंबर 352 उसमें जबरदस्ती दबंगई के बल पर एक केवल पर्सनल जाति मल्लाह जाति के लिए सुरक्षित किया जा रहा है, जबकि SDM साहब को संज्ञान में दिया गया था, उन्होंने लिखित पत्र दिया है कि अराजी नंबर 352 में अंबेडकर पार्क के लिए सुरक्षित है, वहाँ सामुदायिक शौचालय नहीं बनेगा, ये 370 घ में सामुदायिक शौचालय बनेगा। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन को गुमराह करके उस पर दबंगई के बल पर प्रशासन को ला करके कल 12-1 बजे के पास में आए, गांव वालों को बंधक बना करके इन लोगों को जबरदस्ती वहां पर बना लिया। अब बोलने पर कागज़ दिखाने पर कि सर ये हमारे पास आपका आदेश है, कागज़ नहीं देखे जबरदस्ती उनको गाड़ी में बैठा लिया। आज महिलाओं को जो आ रही थी DM साहब क्या अपना बयान देने के लिए कि सर हम लोगों को ये जुर्म किया जा रहा है, उनको वहाँ पर बंधक बना लिया गया, ट्रैक्टर बंद जमा कर लिए कि क्या परमिशन है, और ग्राम प्रधान के कहने पर, और ग्राम प्रधान इसी जो शौचालय ये अंबेडकर पार्क है इसी के नाम पर सभी आप देख रहे हैं BPN न्यूज के YouTube चैनल दो मुकदमे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।